नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। शनिवार को जारी की गई इस लिस्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से टिकट दिया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि जहां बीजेपी ने कई पुराने चेहरों पर विश्वास जताया है, तो वहीं कुछ जगहों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। टिकट का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेतृत्व का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझ में निरंतर विश्वास जताने के लिए पार्टी के करोड़ों निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को मेरा नमन। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तीसरी बार अपने परिवारजनों की सेवा को लेकर बहुत उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह परंपरागत कांग्रेस की सीट है। रघुनाथ सिंह यहां से लगातार 3 बार सांसद रहे, पंडित कमलापति त्रिपाठी रहे हैं। यह बनारस पूरी तरह से कांग्रेस के मिजाज का शहर रहा है। बनारसी पान और बनारसी साड़ी पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन मोदी जी शहर से सांसद हैं और यहाँ पान पर टैक्स लग रहा है और साड़ी पर भी। वही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सुबह से जब उनके कुछ वरिष्ठ सांसद एक के बाद एक चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे थे, तब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या वो बीजेपी की कार्यशैली से परेशान हैं, जैसे गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा? उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, ये जनता को भी जानने का हक है। जब लिस्ट आई तो देखा कि कई नाम कटे हुए हैं, तो क्या जिनके नाम कटे हैं उनकी कार्यशैली से बीजेपी का नेतृत्व खुश नहीं है? तो 5 साल का हिसाब कौन देगा? हर बार तो मोदी जी अपने नाम से वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन जब अपने मौजूदा सांसद को बदलते हैं तो उसका हिसाब भी देना चाहिए। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में प्रसिद्ध पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया को भी टिकट दिया है। उन्हें राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि उनका जन्म स्थल भी है। बीजेपी द्वारा टिकट दिए जाने पर देवेंद्र ने कहा कि मेरे लिए बड़ी खुशी का पल है। देश के 5 से 7 करोड़ दिव्यांग लोगों में खुशी है कि आज बीजेपी ने एक दिव्यांग व्यक्ति को टिकट दिया है। बता दें कि 42 वर्षीय देवेंद्र झाझरिया के नाम समर पैराओलंपिक गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है और वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट रहे हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर मशहूर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को उतारा है। बता दें कि यहां से वर्तमान में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। पवन सिंह को टिकट दिए जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, इस मामले में वही लोग ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे। मेरे दिल में सभी के लिए शुभकामनाएं और आशीष है। यहाँ आसनसोल में कई लोगों का भी ये मानना है कि उन लोगों ने जिस तरह से नामों की घोषणा की है और जिन जिन नामों का ऐलान किया है, उनमें बहुत से नाम ऐसे हैं जिससे लगता है कि बीजेपी सिर्फ अपना ही हित नहीं सोच रही, बल्कि अपने साथ साथ शायद वह विपक्ष का भी और टीएमसी का भी हित सोच रही है। मैं उन्हें इस सोच के लिए बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी आज रविवार को केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। माना जा रहा है कि उनके दूसरे कार्यकाल की मंत्री परिषद के साथ अंतिम बैठक होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी प्रमुख नीतिगत व शासन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर संपूर्ण मंत्री परिषद की बैठकें करते रहे हैं, लेकिन आज रविवार को होने वाली बैठक अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक रूप से अहम है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के सांसदों पर निशाना साधा है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कोयला घोटाला मामले में सांसद के बैंक खातों की केंद्रीय एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। एक्स पर की गई इस पोस्ट में उन्होंने सीबीआई और ईडी को भी टैग किया है। टैग करते हुए उन्होंने पोस्ट में कहा कि सांसद सुदीप बनर्जी के बैंक खातों की जाँच होनी चाहिए, इसी के साथ बनर्जी और एक निजी अस्पताल के बीच हुए भुगतान की भी जाँच हो। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एजेंसियों ने उनकी मांग को टालने की कोशिश की तो वह अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसके साथ ही कुणाल घोष ने कल शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के अनुभवी सांसद पूरे साल अपने निर्वाचन क्षेत्र में नज़र नहीं आते, बस लोकसभा चुनाव के दौरान वह जागते हैं। टीएमसी के पास इनकी जगह कई उपयुक्त उम्मीदवार हैं जो हमेशा लोगों के साथ रहते हैं।
बता दें कि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने शुक्रवार को पार्टी प्रवक्ता और पार्टी राज्य महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने एक्स पर लिखा था कि वह तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव और प्रवक्ता का पद नहीं रखना चाहते। वह सिस्टम में मिसफिट हैं और कार्य करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि वह पार्टी में सिपाही बनकर रहेंगे। कृपया दल बदल की अफवाहों को हवा ना दें। ममता बनर्जी मेरी नेता हैं, अभिषेक बनर्जी मेरे सेनापति हैं और तृणमूल कांग्रेस मेरी पार्टी है। वहीं सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को दे दी है और इसके पहले ही उन्होंने अपने मीडिया प्रोफाइल से टीएमसी की पहचान हटा दी है। जयंत चौधरी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोकदल कल शनिवार को औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हो गया है। बता दें कि जयंत पहले ही इस गठबंधन का ऐलान कर चुके थे, लेकिन कल शनिवार को उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनकी पार्टी अब औपचारिक रूप से एनडीए का हिस्सा बन गई है। मुलाकात के बाद अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का एनडीए परिवार में स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों में विश्वास प्रकट करते हुए उनके एनडीए में आने से किसान, गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के हमारे संकल्प को और बल मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 पार कर अमृतकाल के विकसित भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। बता दें कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि राष्ट्रीय लोकदल को बागपत और बिजनौर की 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन वह इस मुलाकात को लेकर बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता ने कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, लेकिन वे कितना भी प्रधानमंत्री से मिल लें, भतीजा बचेगा नहीं। बता दें कि संदेश खाली मामले में बीजेपी टीएमसी और अभिषेक बनर्जी पर लगातार हमला बोल रही है। बिहार के औरंगाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 21,000 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी का भाषण सुनने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन वही भाषण सुनने आए एक युवक सनीराज गुप्ता ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, यहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए। अगर मोदी रोजगार देते हैं, वैकेंसी आती है तो ठीक है, नहीं तो सोचना होगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं का कहना था कि सरकार ने हमें रोजगार देने के लिए काम किया है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। यानी अगर देखा जाए तो महंगाई और बेरोजगारी के मामले में लोग ना तो केंद्र सरकार से संतुष्ट हैं और ना ही राज्य सरकार से। केरल के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई एक छात्र की मौत के मामले में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एम आर शशिंद्रन को कल शनिवार को निलंबित कर दिया है। राज्यपाल ने निलंबन के आदेश में कहा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि में कुलपति का उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन, लापरवाह और संवेदनहीन रवैया उजागर होता है। इसके साथ ही राज्यपाल ने छात्र की मौत की न्यायिक जांच के भी आदेश दिए हैं। बता दें कि पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन फैकल्टी में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का एक छात्र 18 फरवरी को अपने हॉस्टल के बाथरूम में फंदे से लटका मिला था। उसके माता पिता ने दावा किया कि कॉलेज में पढ़ने वाले उसके कुछ अन्य क्लासमेट ने उन्हें बताया है कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कुछ स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके बेटे की पिटाई की थी, उसके बाद ही उसने जान दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लद्दाख में चीन के साथ एलएसी पर जारी तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन को सीमा प्रबंधन समझौतों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। थिंक टैंक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उतना प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जितना अधिक किया जा सकता था। शक्तियां संतुलन बनाती हैं, शक्तियां जमीन पर रहती हैं, फैंसी बयानों से कुछ नहीं होता। सरकारों को कठिन काम करना पड़ता है, संसाधन लगाना होता है, सिस्टम को आगे बढ़ाना होता है, जमीन पर काम करना होता है, हर चीज़ की निगरानी करनी पड़ती है। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सीमा पर बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि की है। चीन सीमा क्षेत्रों पर 2014 तक हमारी बजटीय प्रतिबद्धता 4,000 करोड़ रुपये से कम थी, लेकिन आज यह 3.5 या 4 गुना अधिक है। सीमा पर सड़कों, सुरंगों और पुलों के निर्माण में तेजी से वृद्धि हुई है। अगर 10 साल में ऐसा किया जा सकता है तो पहले क्यों नहीं किया गया।
इसराइल और हमास में बीते 5 महीनों से जारी युद्ध के बीच पहली बार अमेरिका ने गजा पट्टी में विमानों से राहत सामग्री गिराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 3 सैन्य विमानों से खाने के 38,000 पैकेट गिराए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार यह अभियान जॉर्डन की एयरफोर्स की मदद से चलाया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बाइडन ने घोषणा की थी और आज पहली बार राहत सामग्री गिराई गई है। बता दें कि गुरुवार को राहत सामग्री का इंतजार कर रहे 100 से अधिक लोगों के मारे जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने गजा में एयरड्रॉप सर्विस के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने की घोषणा की थी और अपने बयान में कहा था कि अमेरिका आग्रह करता है कि इसराइल अधिक से अधिक ट्रकों को जाने और अन्य रास्तों को खोलने की इजाज़त दे ताकि ज़रूरतमंदों को राहत पहुँच सके। बता दें कि ये पहली बार है जब अमेरिका ने गजा में मदद पहुँचाई है। इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस, मिस्र और जॉर्डन विमान से राहत सामग्री गिरा चुके हैं। जर्मनी में चल रही एक अहम बैठक की बातचीत को रूस ने हैक कर लिया है। जर्मनी ने माना है कि यह साफ तौर पर हैकिंग है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में जर्मन अफसर यूक्रेन को लंबी दूरी तक वार करने वाली मिसाइलें देने और इसके संभावित लक्ष्यों के बारे में बात कर रहे थे। रूस के सरकारी आरटी चैनल ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का ऑडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में जर्मन अफसर कर्ज ब्रिज को मिसाइल से निशाना बनाए जाने पर चर्चा कर रहे हैं। ये ब्रिज रूस और क्राइमिया को जोड़ता है। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स ने शनिवार को कहा कि ऑडियो लीक बेहद गंभीर मामला है। इसकी पूरी गहनता, गंभीरता और तेजी से जांच चल रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।